हाईवे की जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी की, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अचानक नाकोर तलाशियों के दौरान इंतहाई अहम तरीन मतलूब मिलिटेंट की गिरफ्तारी हुई है और यह गिरफ्तारी जिला डोडा से हुई है। डोडा पुलिस की तरफ से यह बयान जारी करते हुए साफ कर दिया गया है कि इंतहाई अहम मिलिटेंट कमांडर फरीद अहमद वलद गुलाम हसन साकिन कोटली डोडा की गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से एक चाइनीज पिस्टल, दो मैगजीन और इसी हथियार के 14 राउंड भी बरामद करने का दावा किया गया है। साथ साथ एक मोबाइल फोन भी उनकी पोजीशन से ले लिया गया। तस्वीर आपके सामने है। पुलिस डोडा की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि लगातार चेकिंग और दीगर नाकों को तेज करते हुए फरीद अहमद वलद गुलाम हसन साकिन कोटली डोडा की गिरफ्तारी हुई है और ये तब हुई है जब अमरनाथ यात्रा को लेकर जिला डोडा से लेकर तमाम तर हसास इलाकों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। मुख्तलिफ जगहों पर नाके और तलाशी लगती जा रही है और उसी नाकों और तलाशी के दौरान ही इस नौजवान की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फरीद जो है वह इंतहाई अहम मिलिटेंट के तौर पर काम कर रहा था और पिछले कई हफ्तों से फरीद पर नज़र रखने के लिए सुराग रसाई इदारे जो थे वो काम कर रहे थे और जिसके बाद आज उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनके कब्जे से जो है वो हथियार भी बरामद कर दिया गया है। और इब्तदाई खबरों के मुताबिक फरीद के पास जो हथियार आया है ये तकरीबन चंद माह पहले उनके पास आया है और अब उन्हें वो आगे भी ले जाना चाहता था, यानी कुछ और कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन फिलहाल पुलिस बयान के मुताबिक इंतहाई अहम मिलिटेंट कमांडर की गिरफ्तारी हुई है। डोडा पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि लगातार तलाशी और तलाशी के दौरान जो अचानक तलाशी कार्रवाइयाँ की जा रही है, नाके लगाए जा रहे हैं, उस दौरान ये मिलिटेंट जो है गिरफ्तार कर दिया गया है। तस्वीर आपके सामने है और खबर रसा इदारों के मुताबिक इंतहाई अहम और मतलूब मिलिटेंट डोडा पुलिस के हाथ लगा है। तो ये डोडा पुलिस की कार्रवाई थी। जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जारी है। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी एक मकामी मिलिटेंट की गिरफ्तारी हुई है, सरगर्म था और हथियार या जो असलहा बरामद करने की पुलिस की तरफ से बात कही गई है उसकी तस्वीर भी अब सामने आई है जो पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है।